अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कुरुक्षेत्र पहुंचने पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री मनोहर लाल सहित कई गणमान्य लोगों ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद ने ब्रह्म सरोवर पर पवित्र ग्रंथ गीता का पूजन कर विधिवत रूप से 29 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी में भाग लिया और हरियाणा परिवहन में ई टिकटिंग प्रणाली, निरोगी हरियाणा योजना सहित प्रदेश की 3 बड़ी परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन किया। उन्होंने 950 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले सिरसा मेडिकल कॉलेज का भी शिलान्यास किया। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि हमारे स्वाधीनता संग्राम को दिशा देने वाले लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी जैसे महानायकों ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में गीता से मार्गदर्शन प्राप्त किया था। गीता पूरी मानवता के लिए है, आध्यात्मिक संहिता है। राष्ट्रपति ने कहा कि हरियाणा की महिलाएं भारत का तिरंगा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लहरा रही हैं। मुझे हरियाणा की इन बहनों और बेटियों पर गर्व है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के आयोजन और जन कल्याणकारी योजनाओं के शुभारंभ व शिलान्यास के लिए हरियाणा सरकार की सराहना की। मैं जनमानसों की स्वास्थ्य सेवा से जुड़ने का सुअवसर मानती हूँ। ये दोनों ही कार्य गीता में कही गई ये बात याद दिलाती है कि सर्वभूतो हिते रहता, अर्थात समस्त प्राणियों के हित में लगे हुए लोग भगवान के कृपा पात्र होते हैं। जनकल्याण को संबल प्रदान करने वाले इन दोनों परियोजनाओं के लिए मैं राज्य सरकार की हृदय से प्रशंसा करती हूँ। भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रभावी उपयोग करके हरियाणा में लागू किए जा रहे ओपन लूप टिकटिंग सिस्टम और GPS सिस्टम का शुभारंभ करके भी मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है।